अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके अपने चैनल अल केमिस्ट और फेसबुक पेज में आपको वेलकम। और 1000 प्रैक्टिकल आइडियाज़ वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट जो एपिसोड है वो शू पॉलिश की हमने डिस्कस करनी है, और इसमें हम ब्राउन शू पॉलिश और ब्लैक शू पॉलिश दोनों को इकट्ठे ही बना लेंगे कि इसके सारे रॉ मटेरियल एक जैसे हैं और कलर्स के पिगमेंट्स में वो सेपरेट होंगे। तो अब अपनी फॉर्मुलेशन की तरफ बढ़ते हैं कि ये छोटा प्रैक्टिकल आइडिया आपको कैसे बेनिफिट करेगा और आप कैसे ये इससे एक प्रोडक्टिव बिजनेस कर सकते हैं जिससे आप एक अच्छी अर्निंग मार्केट में कर सकते हैं। जी, अभी सबसे पहले हम चीज़ों को वज़न कर लेते हैं। और सबसे पहले हमने टेलो फैट जो है वो हमने इसमें वेट करनी है, और ये 100 ग्राम की फॉर्मुलेशन जैसे हम आपको बता चुके हैं। ये टेलो फैट जो इस वक्त शीप फैट है, और ये 37 ग्राम हमने डालनी है, 37% ये बनेगी। इसका वजन कर लेते हैं। जी, ये 30 ग्राम और 37 ग्राम इसका वेट कर लिया हमने। 34 जी, ये 37 ग्राम टेलो फैट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ अब हम आते हैं। कम बीजवैक्स, और बीजवैक्स इसमें 15 ग्राम मीन 15% परसेंटेज भी आपको हम साथ साथ इसकी बता देते हैं। ये 15 ग्राम डालेंगे। ये 15 ग्राम जी। नेक्स्ट अब हमारा इंग्रेडिएंट कार्नोवावैक्स है। कार्नोवावैक्स भी 15% 15 ग्राम अब हम वेट कर लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि अक्सर दोस्त कमेंट्स में ये बात कर रहे होते हैं कि जो फॉर्मुलेशन हम दे रहे होते हैं वो कॉस्ट में थोड़ी ज़्यादा होती है। अब चूंकि मैं जो फोकस हम कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है तो वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बने। और अब चूंकि थोड़ी प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है, जब उसी को आप बल्क में परचेज करेंगे तो आपकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। तो चूंकि ट्यूटोरियल में क्वालिटी प्रोडक्ट देना ज़रूरी है, और उसमें फिर चूंकि हम एक फॉर्मुलेशन दे देते हैं जो फुल फ्लेज होती है, और हमारी उसमें नीयत ये होती है कि हम जब कह देते हैं कि कमेंट सेक्शन हमारा ऑन है, तो उसमें अगर किसी ने उससे लो क्वालिटी का बनाना है तो वो हमसे रब्ता कर लें, हम उसको बता देंगे कि फ़लाँ चीज़ को कम कर लें, फ़लाँ चीज़ की जगह फ़लाँ चीज़ डाल लें। लेकिन यह है कि हम एक जो फॉर्मुलेशन देंगे वो कम से कम फुल फ्लेज देंगे आपको, कि जो क्वालिटी में कम से कम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट की तरफ चलते हैं हम। जी, वैक्सेस हमने वेट कर ली। अब नेक्स्ट हमारी जो बारी है वो चीज़ें ऑयल्स की वेट करने की है। अब आपने देख लिया होगा कि हमने वैक्सेस तो वेट कर ली हुई हैं इकट्ठी, लेकिन अब हम जो ऑयल्स हैं जिनके अंदर हमने अपने पिगमेंट्स और अपने कलर्स जो हैं वो डिज़ोल्व करने, उनको सेपरेट वेट कर लेंगे। और उसके बाद जैसे वैक्स हमारी मेल्ट हो जाएंगी और उनके साथ ऑयल्स पिगमेंटेड ऑयल्स हो जाएंगे वो, तो वो वाले पिगमेंट्स, वो वाले कलर्ड ऑयल जो हैं वो उसके अंदर मिक्स कर लेंगे, प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा। तो टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो 10 ग्राम 10 ml 10% के हिसाब से वो डालना है। इसमें थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ेगी कि ये हाईली इन्फ्लेमेबल, और इसको आग से जब हम लाजिम बातें कर रहे होते हैं तो आग के ऊपर ही हम काम अपना कर रहे होते हैं, तो बहुत केयरफुली हमें करना पड़ना है, बहुत केयरफुली कि हमें कोई ऐसा, क्योंकि ना इसको आग लगने का बहुत ख़तरा होता है, तो इंशाल्लाह इसको बिल्कुल एज़ पर
सेफ्टी प्रोटोकॉल इसको हैंडल किया जाए। ये 10 ग्राम हमने टर्पेंटाइन ऑयल लेना है। जी अब टर्पेंटाइन ऑयल दो दो जगहों पे हमने वेट कर लेते हैं। ये दो जगहों पे हमने टर्पेंटाइन ऑयल ले लिया और इसके अंदर हमने 20 ग्राम जो है वो डालना है कैस्टर ऑयल, 20 ग्राम कैस्टर ऑयल। जी ये कैस्टर ऑयल जो है वो अब हम इसके अंदर 20 ग्राम डालेंगे। अगर आप कैस्टर ऑयल नहीं डालना चाहते, कोई भी कुकिंग ऑयल आपके पास जो अवेलेबल हो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसमें कैस्टर ऑयल डाल लें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैस्टर ऑयल ही डालें। यहाँ अगर आप अपनी फॉर्मुलेशन की कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो कोई भी अपना कुकिंग ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये 20 ग्राम जी जी ये 20 ग्राम कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल भी दो जगहों पे हम वेट कर लेते हैं। जी जी अब जो हमने टर्पेंटाइन ऑयल वेट किया था वो अब कैस्टर ऑयल के अंदर हम उसको मिक्स कर देंगे और सिमिलरली दूसरा भी हमने एक बैच बनाया था जिसमें कैस्टर ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल इनको मिक्स कर देंगे। अब 3-3 ग्राम जो हैं वो हमने इनमें पिगमेंट अब ऐड करने हैं, जस्ट 3 ग्राम इन ईच। तो केयरफुली इसी में कर लेते हैं, ये ज़्यादा ना हो जाए। तो ये इस वक्त हमारे पास पहले हम कर लेते हैं जो ब्लैक जिंक ऑक्साइड कलर है हमारे पास उसके उस 3 ग्राम इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं, डायरेक्ट इसमें ऐड कर लेते हैं, थोड़ा केयर करनी पड़ेगी इसमें हमें। ये 2 ग्राम हो गया और ये चूंकि वेट में काफ़ी कम होते हैं ये 3 ग्राम। और इसको किसी भी ग्लास रॉड से हम इसको मिक्स कर देंगे। ये कलर हमारा ब्लैक कलर, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल कोई दाने वगैरह ना रह जाएं। तो जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना ही कलर पॉलिश अच्छा देगी। ऐसे ही सिमिलरली इसको साइड पे कर लेते हैं। अब ब्राउन जो हमारे पास पिगमेंट है वो ब्राउन ऑक्साइड जो हमारा पिगमेंट है वो भी 3 ग्राम वो भी हम ऐड कर लेते हैं। जी अब ये ब्राउन ऑक्साइड जो कलर है वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं।
जी इसको भी अब डिजॉल्व कर लेते हैं। ये इंशाल्लाह अच्छा ब्रिलियंट कलर तैयार होंगे ये दोनों। अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारी प्रोडक्शन फेजेस हैं जिसमें हमने जो वैक्सेस हैं उनको मेल्ट करना है, अब उसकी तरफ आपको इंशाल्लाह लेके जाते हैं। ये एक स्टील का पैन हमने रखा और इसके अंदर पानी, सिंपल पानी, इसको हमने बॉयलिंग के लिए रख दिया। और अब चूँकि हमने डबल जैकेट बॉयलर और वाटर बाथ के कॉन्सेप्ट पे जो हमारी वैक्सेस हैं उनको मेल्ट करना है, तो इनको अभी हमने पानी जब तक ये हीट ले लेता है, हमने सारे मटेरियल आपके सामने वेट करके रखे हुए हैं। जस्ट अब हमने उनकी मेल्टिंग करनी है और इसके अंदर इसको वाटर बाथ में ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करके मेल्ट करके फिर इनकी सिंपल मिक्सिंग से बस आपको प्रोडक्ट तैयार करके दिखाना है। जी ये हमने एक बाउल अंदर रख दिया इस पानी के अंदर, वाटर बाथ के अंदर, और जैसे ही अब इसका टेम्परेचर तकरीबन 80-90 होगा तो हम वैक्सेस वगैरह इसमें डाल देंगे और उनको मेल्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह। जी ये टेलो वैक्स जो हमने वेट करके रखी थी आपके सामने वो अब इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ा सा ये ट्रिकी होगा चूँकि ये बहुत स्टिकी सा है और इसके साथ बीकर के साथ भी ये लगा हुआ है और जो स्पून है उनके साथ भी लगा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, ये जैसे मेल्ट हो जाएगा तो ये बड़े आराम से इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको। जी ये वाटर बाथ में बीकर को भी अगर हम किसी तरीके से रख लें तो ये जैसे टेम्परेचर इसको मिलेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा और ये टेलोफेट ऑयल की फेज़ में आ जाएगी, तो बड़े आराम से फिर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें। जी अब टेलोफेट जो है वो हमारी मेल्ट हो गई और अब हम नेक्स्ट अपने इन्ग्रीडियंट जो हैं वो भी अब इसमें डाल देते हैं। और बीज वैक्स 15 ग्राम जो हमने वेट करके रखा है वो अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये डाल देंगे। जी उसके बाद जो कार्नोवा वैक्स है वो भी 15 ग्राम, वो भी इसके साथ ही हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इनके कम्प्लीटली मेल्ट होने का हम वेट कर लेते हैं। जी तो हमारी वैक्सेस सारी मेल्ट हो गई हुई हैं और अब हम जैसे आपको हमने बताया था कि टर्पेंटाइन ऑयल हमने जो पिगमेंट के अंदर डिज़ोल्व करने के लिए जो हमने यूज़ किया तो वो इन्फ्लेमेबल होता है, तो उसको इससे बचाने के लिए कहीं उसको आग ना लग जाए तो हम इसको अभी आपके सामने जो हमने ये वाटर बाथ में पानी यूज़ किया है इस पानी को हम एज़ वाटर बाथ यूज़ करेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्लेम बंद करके नेक्स्ट आपके सामने इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे। जी अब ये वैक्सेस हमारी मेल्ट हो गई हुई हैं और अब आपको नेक्स्ट जो हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बता रहे थे कि जो ये हमारा वाटर बाथ का पानी है इसको हम अभी इस जो वैक्स से जो मेल्ट हुई है अभी इसके अंदर ही रखते हैं, इसके लिए हम आपको जो अरेंजमेंट हमने किया है वो अब आपको दिखा। जी वैक्सेस मेल्ट हो गई थी, अब ऑयल और पिगमेंट्स जो हैं वो आपके सामने हमने एक उसमें बाउल में रख दिए हुए हैं, कांच के बाउल में, ग्लास के बाउल में, और जो हमारे वाटर बाथ का गर्म पानी है वो अब हम इस बाउल में अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। जी अब ये हमने वाटर बाथ का जो गर्म पानी है वो इसमें हम डाल देते हैं सो देट के हमारा जो पिगमेंट है एक तो ये भी थोड़ा सा कलर ले ले, थोड़ा सा और दे दे। अब ये काम हम विदाउट फ्लेम कर रहे हैं, अगर प्रॉपरली डबल बाथ बॉयलर होगा तो फिर वो सेफ्टी उसमें होती है, उसमें हमें फिर फ्लेम एक्सपोज नहीं होते। तो अब हम ये जो पिगमेंट डिज़ोल्व किए थे ऑयल्स में उनको थोड़ा सा टेम्परेचर इसको दे देते हैं। जी अब जो हमने वैक्सेस इसमें मेल्ट की थी उनको इन बीकर्स में
इक्वली डिवाइड कर लेंगे, आधा एक में डाल देते हैं आधा एक में डाल देते हैं। बेहतर तो ये है कि इसको वेट करके डाला जाए, लेकिन अभी हम चूंकि एक लर्निंग डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं तो अब अप्रॉक्सीमेटली आधा एक में डाल देते हैं और आधा दूसरे में। जी इसमें जी डालें, इसमें हाफ इसमें डालें और साथ इसकी मिक्सिंग कर लें, बस ये हो गया। बस बस दूसरा उसमें डालें, आधा इसमें डाल दें, डाल दें, ठीक जी। अब इससे पहले कि ये जैसे ही हमने इसके अंदर डाला, महसूस कर रहे हैं कि ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया। अब हम जिस जिस कंटेनर में इसको डालना है उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये ब्लैक शू पॉलिश, और सिमिलरली ये ब्राउन शू पॉलिश, और अब इसको हम वेट करते हैं कि ये सॉलिडिफाई हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह इसको हम आपको दिखा देंगे। जी नाज़रीन, ये हमारा ब्लैक शू पॉलिश ये रेडी है इस वक्त, इस कंडीशन में, इस टेक्सचर में। इसको इस ब्लैक स्कूल शूज़ हैं, इस पर हम अप्लाई कर लेंगे, और ये डार्क टैन ब्राउन, डार्क ब्राउन। और ये चूंकि हमने पिगमेंट इसको कम भी किया जा सकता है, ये इस वक्त देखने में ब्लैक लग रहा है लेकिन दिस इज़ डार्क टैन, डार्क ब्राउन है ये। तो अगर इस पिगमेंट को हम कम कर दें तो ये लाइट ब्राउन में भी आ जाएगा, अगर लाइट ब्राउन शेड हमने डालना है तो। 3% हमने ये पिगमेंट डाला था तो इसको हम हाफ कर सकते हैं और 1.5% कर लें, 1% तक कर लें, अपनी रिक्वायर्ड जो हमने देना है। बहरहाल अभी ये इंशाल्लाह डार्क कलर से ये आपके सामने अभी हम इनको अप्लाई कर देते हैं, और पहले ब्लैक का आपको डेमोंस्ट्रेशन दे देते हैं। ब्लैक किसी शूज़ के ऊपर इसको अप्लाई कर लेते हैं, पहले इसकी डस्टिंग कर ली। और अभी इसको जी जी ये आपके सामने हमने इस शू को ब्लैक पॉलिश कर दी, और इसको थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ देंगे। इसकी शाइनिंग भी आपको फिर हम दिखा देते हैं, अभी जो ब्राउन पॉलिश है वो हम आपको दिखा देते हैं। अब देख लें ये आपके सामने डिफरेंस, अभी इसकी शाइनिंग होनी है, इसके ऊपर अभी हमने अप्लाई नहीं किया। सिमिलरली अभी हम जो ब्राउन शू पॉलिश है उसको अप्लाई कर लेते हैं। एक पुराना सा शूज़ है, ऊपर से पहले ये डस्टिंग कर ली और सिमिलरली जी ये आपको इसके रिजल्ट्स अब खुद जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जी ये आपको अब हम ये डिफरेंस भी दिखा देते हैं कि ये दोनों शू पॉलिश जो आपके सामने हमने तैयार की थी, दिस ब्लैक वन और दिस इज़ द डार्क टैन डार्क ब्राउन, और इनका डिफरेंस अब इसकी शाइनिंग आपको दिखा देते हैं हम। जी अब ये शाइनिंग आप देख सकते हैं जूते की, ये आपको कंप्लीट अब जूता तैयार होके शाइनिंग के साथ इस पॉलिश से आपको ये रिज़ल्ट मिल गया, और अभी इसके ऊपर हमने अप्लाई नहीं किया। और सिमिलरली ये आपको ये फाइनल इसकी ब्राउन जो हमारी शू पॉलिश है उसकी शाइनिंग नज़र आ गई।
ये छोटा सा एक प्रोडक्टिव बिजनेस आइडिया, इसको कॉन्फिडेंस के साथ आप करें और एक अच्छी इनकम इंशाल्लाह ऐसे हो सकती है। बस इसी आइडिया के साथ आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी और बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।